अब तक आपने देखा कि मीरा को किसी का फोन आता है और उसे कोई ऐसी खबर मिलती है जिसकी वजह से वो अपनी माँ के साथ लंदन जाने का फैसला बदल देती है। मैं दिल्ली जा रही हूँ, अनिरुद्ध के घर। नंदनी, मेरी नंदनी, बहुत याद कर रहा हूँ तुम्हें। अनिरुद्ध की टेप पर आवाज सुनकर नंदनी टूट जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वहां मीरा धर्मशाला से दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। नंदनी, श्यामा नंदिनी के कमरे में पहुंचती है और वहां नंदिनी को बेहोश पाती है। अब आगे। नंदिनी, 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 आंखें खोलो, क्या हुआ? नूपुर, पल्लवी, अम्मा जी, देखिए नंदिनी को क्या हो गया है। नंदिनी, क्या हुआ भाभी? भाई साहब, कनॉट प्लेस के पास किसी अच्छी होटल में ले चलिए। आइए मैडम, बैठिए। हेलो अखिल, नंदिनी अपने कमरे में बेहोश हो गई थी। हम लोग उसे डॉक्टर शर्मा के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप भी वहां जल्दी पहुंचिए। मैडम, मुझे आगे का रास्ता पता नहीं, आपको पूछना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे चलिए, हम किसी से पूछ लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। क्या सर? पहले आपको इधर फॉर्म भरना होगा, आपको अंडरटेकिंग साइन भी करना होगा। क्यों? ए, तुम चलो। सर, क्योंकि पेशेंट के इलाज के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपकी जिम्मेवारी होगी। ए, क्या समझते हो तुम? जानते हो किससे बात कर रहे हो तुम? बलराज अस्थाना हूँ मैं, और मैं ये सब साइन करूंगा? Who the hell you think you are? क्या हो रहा है? बलराज अस्थाना, और आपका स्टाफ कहता है मैं ये फॉर्म साइन करके दूं, अंडरटेकिंग साइन करके दूं, तभी सब आगे काम होगा। समझाइए इसे। प्लीज सर, प्लीज, आई एम सॉरी सर, आप चिंता ना करें। Everything will be taken care of. मेरी बहू है, प्रेग्नेंट है। You call Dr. Sharma immediately. मेरे बहू के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, नंदिनी बहुत कमजोर हो गई है। चलो कमन भाई ले जाइए। चलिए ओंकार सतनाम करता पूरक। दिल्ली आकर मैंने सही तो किया ना, अनिरुद्ध की फैमिली से मिलने का फैसला गलत तो नहीं है? यस, आप कौन? बिल्लू, साडा नाम बिल्लू, बिल्लू सिंह जी। ये आप रिसेप्शन पर भूल आई थी। ये तो मेरा नहीं है। हाँ? सॉरी जी, मेरा मतलब ये। ये तो मेरा ही है। थैंक यू सो मच बिल्लू, पता नहीं मैं रिसेप्शन पे इसे कैसे भूल कर आ गई। अच्छा बिल्लू, तुम यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आए हो? नहीं जी, मेरे चाचा जी है ना, इस होटल के मैनेजर हैं।
इसलिए आ जाते हो कभी कभी। वैसे आप यहाँ दिल्ली में नहीं हैं? हाँ कह सकते हो। बिल्लू एक तुमसे एक बात कहूँ, चिप्स खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। क्या दीदी आप भी, पापा जी कहते हैं सेहत बनाए रखनी चंदी है। वैसे आप यहाँ कितने दिन है जी? बस कुछ ही दिनों के लिए। वैसे अगर आपको कुछ चाहिए हो ना तो मेरे को बताइएगा, मेरी यहाँ काफी चलती है। रियली थैंक यू सो मच बिल्लू। अच्छा मेरा एक काम करोगे, बता सकते हो मुझे ये एड्रेस कहाँ का है? साड़ी अंग्रेजी तो थोड़ी वीक है जी। पृथ्वीराज रोड के बारे में कुछ तो पता होगा, कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? आप दिल्ली पहली बार आई हो क्या? नहीं 5 साल पहले आई थी, लेकिन पृथ्वीराज एरिया के बारे में कुछ नहीं जानती। पृथ्वीराज रोड सुना तो है लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं कितने है। कोई बात नहीं। अच्छा बिल्लू यहाँ खाने को कुछ मिलेगा? होटल में तो सिर्फ चाय कॉफी है। हाँ लेकिन आप यहाँ से निकल के इंडिया गेट पार करोगे ना तो वहाँ पर एक बढ़िया सा ढाबा है, टिट्टू दा ढाबा। थैंक यू सो मच, मैं चली जाऊंगी। बिल्लू तुमने खाना खाया? रोटी शोटी खा ली है। चॉकलेट किसको पसंद है? चाहिए? ये लो एक और। थैंक यू जी। इट्स ओके, बस कल तक और रुकना है। कितना इंतजार किया कि मैं देखूं अनिरुद्ध का घर, उसका कमरा, उसके लॉन में वो पेड़ और छत जहां से वो सूरज को ढलते हुए देखता था और मेरे बारे में सोचता था। उसकी फैमिली, उसकी बहनें, उसकी प्यारी सी बीजी, कल उन्हें देखूंगी, मैं उन सब से मिलूंगी। कैसा लगेगा उस वक्त मुझे? आपके लिए चाय लेकर आओ। कोई खबर? शमा रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब ठीक होगा नंदिनी के साथ। आप जरा घर पे फोन कर दीजिए, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कोई खबर आए। ठीक है। कान्हा जी आप तो जानते ही हो हमें क्या चाहिए, अपने बेटों का हक, और वो तभी हो सकता है। अम्मा राधे कृष्ण राधे कृष्ण, क्या कर रही हो? इस समय भी दिया जला रही हो? तो क्या गलत कर रहे हैं? पुलिस वाली की बहन हो तो हमारी तहकीकात करोगी का? तुझे पता नहीं नंदिनी अस्पताल में है, वो के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ताई जी कोई खबर आई क्या? गाड़ी में जगह नहीं थी, नहीं तो मैं भी चली जाती। अखिल भैया का फोन आया, 1 घंटा हो गया, सब ठीक तो होगा ना ताई जी? अगर हमारे बार बार कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम बार बार कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया। रोटी के लिए आटा गूंदा है क्या? ऐसे वक्त पे आप खाने की सोच रही हैं? किसी को तो सोचना पड़ेगा कि नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा घर लौटेंगे तो तनिक भी खाने पर इंतजार करेंगे? निरंजन ने नहीं खाया, अखिल ने भी नहीं खाया, और बेचारा अगस्त्य वो तो भूखा होगा। दीपिका जी जाओ सब्जी काटो, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, समझी का? आ गया। कैसी रही मूवी? बाय गॉड यार क्या धांसू पिक्चर थी, और एक्शन बूम 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 माइंड ब्लोइंग। रहने दे रहने दे, इंडिया वाले धांसू एक्शन बना ही नहीं सकते।
मैं तो सिर्फ हॉलीवुड मूवी देखता हूँ। अच्छा, तुझे सबटाइटल्स देख के भी समझ आता है क्या हो रहा है? अरे यार, इसके लिए तो सबटाइटल की भी जरूरत ना पड़े। ये चांद अचानक से जमीन पर कैसे आ गया भाई? छोड़ यार, तुम लोगों को तो लड़की को नाराज करना भी नहीं आता, लेकिन खुश करना तो आता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? धीरे चला यार। क्या कर रहे हैं आप लोग? एक लुक तो दे दे। दिल्ली जैसा शहर आप जैसे लोगों की वजह से बदनाम हुआ है। लड़कियां देखने की शुरू हो जाते हैं। जाने दो मुझे। अरे ये तो भाई चुप कर। यूजर I'm so sorry. नंदनी, नंदनी जी इज फाइन, पर हम बच्चे को बचा नहीं पाए। एक्चुअली जब आप उन्हें हॉस्पिटल लाए तभी फिटस की हार्ट बीट बहुत ही फेंट थी, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। हमने मसाज से उसे रिवाइव करने की कोशिश की बट पीटर्स वीक था। अनिरुद्ध का बेटा इस घर का वारिस होगा। इस घर का वारिस एक बच्चा होगा जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ। ये नंदिनी के फादर की रखी हुई शर्त है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नंदिनी का बाप इस घर पर फिर से क्लेम कर सकता है। नंदिनी जी इज फाइन, पर हम बच्चे को बचा नहीं पाए। कहा था मैंने किसी भी हालत में बच्चा बचना चाहिए। मैंने कहा था बच्चा बचना चाहिए किसी भी कीमत पे। बलराज, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बलराज क्या करेगा? अब क्या नया तूफान आने वाला है? आओ जी आओ, मालको बैठो बैठो, आ जाओ भाभी, तुसी इधरों आ जाओ। मैडम दी खातर तवज्जो बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। साडे मेहमान ने मेहमान, समझ गया जी, जी। कोई गलती ना हो जावे जी, जी। हाँ हाँ जी मैडम जी, क्या ऑर्डर है आपका? मुझे बताइए यहाँ पर सबसे अच्छा क्या मिलता है? वैसे तो यहाँ का पराठा बहुत ही मशहूर है, लेकिन हमारी टक्कर का बटर चिकन पूरी दिल्ली में कहीं और नहीं मिलेगा मैडम। ठीक है तो आप मेरे लिए बटर चिकन। मुझे चाहिए तो दिल्ली का बटर चिकन। बटर चिकन इट्स माय फेवरेट। एक तरफ सारी खुदाई और दूसरी तरफ दिल्ली का बटर चिकन। लेकिन कहावत तो ये है कि एक तरफ सारी खुदाई और दूसरी तरफ जोड़ों का भाई। अरे भाई अभी तुम्हारा भाई तो है नहीं, तो मैंने सोचा तुम्हारे भाई को मैं दिल्ली के बटर चिकन से सब्स्टिट्यूट कर दूं। हाँ, हाँ।
बस तुम तुम्हारा दिल्ली और तुम्हारा बटर चिकन दूर से ही सपने दिखाते रहो। मतलब जब भी तुमसे पूछती हूँ दिल्ली कब लेकर जाओगे, कहते हो नेक्स्ट टाइम। हे, अगली बार पक्का लेके जाऊंगा, प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस? बटर चिकन प्रॉमिस। आखिरी निशानी पे उससे छीन ली, मेरे पास जीने के लिए और कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। नंदनी, हमारे बच्चे को नहीं बचा पाई, कुछ भी नहीं बचा। जो जच्चा हो उसकी खुशखबरी 3 महीना खत्म होने से पहले नहीं सुनाई जाती। मेरी इस घर पर मजबूत गिरफ्त है, मेरा पोता जो आने वाला है। नंदनी जी इज फाइन, पर हम बच्चे को बचा नहीं पा रहे। ये नंदिनी के फादर की रखी हुई शर्त है कि मेरा पोता अनिरुद्ध का बेटा इस घर का वारिस होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नंदिनी का बाप इस घर पर फिर से क्लेम कर सकता है। He can't afford to lose this house. अगर ये छत भी चली गई तो मार्केट में रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी हमारे, हम अपने सारे इन्वेस्टर्स खो देंगे। और राज कभी इस घर को गवाएगा नहीं। I'm so sorry, बच्चे को बचा नहीं पाए। इस वक्त उसे अकेला रहने दे। हम बोल रहे थे 3 महीना खत्म होने से पहले जच्चा की खबर बाहर नहीं सुनाते। किसी ने हमारी बात पर गौर किया? नहीं। नंदिनी पर बहुत बुरा वक्त है, इस घर के लोगों पर भी राहु की छाया है। कल पंडित जी हमें बोल रहे थे मंदिर में, सबको बहुत संभल कर रहना है, बहुत संभल के। पीछी, पीछी नहीं, नहीं पीछी, संभालिए अपने आप को। आप ऐसे रोएंगे तो नंदिनी भाभी को कौन संभालेगा? मैंने तो सोचा था अनी के बच्चे को अपनी गोद में खिलाऊंगी, उसका चेहरा देखकर बाकी की जिंदगी बीत जाएगी। कल पूजा है, पूजा के बारे में सोचो। इतना सब हो जाने के बाद पूजा करना जरूरी है क्या? 2 महीना होगा तेरे भाई को परलोक सिधारे, उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवा रहे हैं। अब क्या तारीख बदल दें या तेरे भाई की आत्मा को तड़पने दें? अम्मा जी, नुपुर, पूजा कल ही होगी, सारा इंतजाम हो चुका है।
रखा और नंदिनी भी कल अस्पताल से वापस आ रही है ना। वैसे अगस्त्य कहाँ है? घर नहीं आया? उसे पता यहाँ क्या हो रहा है? अम्मा जी आप उसे दो थप्पड़ लगाइए, इस घर में इतना कुछ हो गया है और उसे अपनी मौज मस्ती से फुर्सत नहीं है। इस परिवार के लिए उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं अम्मा जी। अब आप उसे समझाएंगे या हमें उसे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा? अरे लल्ला वो बेचारा तो कुछ जानता है। तरफदारी मत कीजिए उसकी, है कहां वो? तुम मेरा पीछा करते करते यहां तक पहुंच गए? सॉरी। आई सेड आई एम सॉरी। मेरे दोस्तों ने आपके साथ बदतमीजी की, दैट्स नॉट डन। मैं आए? वैसे दिल्ली है तो दिलवालों की, पर हर दिलवाला बदतमीज नहीं होता। अब दिल्ली से तो है नहीं, यहां लड़कियां रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस शहर में आप जैसे आदमी रहते हैं। जी नहीं, मुझसे कहीं ज्यादा जाहिल। आपने सही कहा था, मैं दिल्ली से नहीं हूं, किसी से मिलने आई हूं, अपने बेस्ट फ्रेंड की फैमिली से। फ्रेंड? कोई था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी और उसी के घर को ढूंढते ढूंढते मैं दिल्ली पहुंच गई। मिला घर? शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं? एनी नेम एड्रेस समथिंग? सीरियसली?